नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच अब से कुछ ही दिनों में खेला जाने वाला है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर एक पर पहुंच गई, जिसको लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। नासिर हुसैन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारतीय टीम जैसी टीमों से टेस्ट रैंकिंग्स में ऊपर होना न्यूजीलैंड के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि। स्काई स्पोर्ट्स में लिखे अपने कॉलम में नासिर हुसैन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड जैसे देश का इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट रैंकिंग में ऊपर होना उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। अगर वो आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हरा देते हैं तो फिर उनके लिए ये उससे भी बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया और 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की दूसरी पारी 122 रन पर समाप्त हो गई और न्यूजीलैंड को 38 रनों का मामूली लक्ष्य मिला। इसे न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बहरहाल, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस मैच से पहले टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने से जाहिर है न्यूजीलैंड के हौसले काफी बुलंद होंगे और वो टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम हर हाल में करना चाहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।